नमस्ते सभी को। हिंदी में हम सत्र शुरू करते हैं। इसी स्टेप थ्री को लेकर हम लोग हिंदी में भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उस क्रम में जो भी हमारी गति बनी है उसको संक्षेप में देख लेते हैं, फिर उसके आगे चर्चा करते हैं। तो इस अभ्यास दो से पहले हमने अभ्यास एक किया था जिसमें स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास किया था और अपने भाव को देखा था, फिर उस भाव को हमने मूल्यांकित किया था, फिर उसमें परिमार्जन के लिए अभ्यास किया था। अभ्यास दो में स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें पहले स्टेप में हमने स्वयं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। फिर स्वयं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया और स्टेप थ्री में अब ये देख रहे हैं कि इसका निर्णय कौन लेता है। भैया हिंदी की स्लाइड लगा दीजिएगा। स्टेप थ्री में हम ये देख रहे हैं कि मैं और शरीर के बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसका निर्णय कौन लेता है। तो किस प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है अगर उसको देखें तो शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, सेल्फ उसको पढ़ता है, मैं उसको पढ़ता हूँ, स्वयं के द्वारा वो पढ़ा जाता है ना? और मैं द्वारा शरीर को संकेत दिए जाते हैं। तो ये जो संकेत दिया जा रहा है वो भी एक सूचना है, जो संवेदना मिल रही है मुझे जिसको मैं पढ़ रहा हूँ वो भी एक सूचना है। तो मेरे और शरीर के बीच कोई भौतिक रसायनिक दान प्रदान नहीं हो रहा, सिर्फ इस सूचना का दान प्रदान हो रहा है। अभी देखना है कि ये सूचना को पढ़ने के लिए जो शरीर से मुझे मिल रही है कोई मेरा निर्णय है या अपने आप को तरता है। वैसे ही शरीर से जो भी हरकत मैं करता हूँ उसके लिए जो भी मैं संकेत देता हूँ उसे मेरा निर्णय है या अपने आप होता रहता है। तो वैसे अगर देखें थोड़ा ग्रॉस लेवल पे तो बात तो लगती ठीक ही है कि नहीं, मेरा निर्णय है। परंतु ऐसा हो सकता है बहुत जगहों पर कि अपने को लगता है कि बिना निर्णय का हो रहा है। कुछ चीजों को है जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में पहचानते हैं, हमको लगता है बिना निर्णय का हो रहा है। या कुछ हरकत हम कर देते हैं जिसमें हमको लगता है कि बिना किसी निर्णय का हो रहा है, ये तो होना ही है। तो अगर सामने से कोई ऐसी वस्तु आएगी तो ये तो मैं करूंगा ही, कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो ये तो मैं बोलूंगा ही, उसमें ऐसा लगता है कोई मेरा निर्णय नहीं है। वैसे ही शरीर में कुछ घटना हो रही है उसकी सूचना मुझे मिलती है तो हमें लगता है कई बार कि ये तो होगा ही, इसमें निर्णय की क्या आवश्यकता है, ये तो होगा ही। तो इन एरियाज में भी थोड़ा अपने को एक्सप्लोर करना है कि जहां हमको लगता है कि बिना निर्णय का कोई चीज हो रहा है, चाहे मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ या शरीर के संकेतों को पढ़ रहा हूँ, यानी उसके संवेदना को पढ़ रहा हूँ, सूचना को पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरा निर्णय हर बार शामिल है या कभी शामिल है कभी शामिल नहीं है। इसी क्रम में कल हमने दृष्टा, कर्ता और भोक्ता इन तीन चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया था, समझना शुरू किया था। तो दृष्टा का मतलब है देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला। तो मैं देखता हूं, शरीर नहीं, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को देखने के लिए प्रयोग करता हूं। तो जब शरीर से बाहर कोई घटना हो रही है और मुझे उसे देखना है तो उसके लिए मैं अपनी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता हूं। शरीर में अगर कोई घटना हो रही है और मैं उसे देख रहा हूं इसके लिए ज्ञान इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है। तो पेट में दर्द है ये मुझे पता लगता है, दांत में दर्द है मुझे पता लगता है, शरीर में थकान है मुझे पता लगता है। तो शरीर से बाहर अगर कुछ हो रहा है घटना, कोई सामने टीवी चल रहा है, कोई व्यक्ति मिलने आ रहे हैं, कोई आवाज आ रही है, ठंड या गर्मी लग रही है, तो इसमें तो ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकता है। परंतु शरीर में कोई घटना हो रही है उसको देखने के लिए ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। अब मैं अगर स्वयं को देखने जाता हूं, अपने भाव को देख रहा हूं, विचार को देख रहा हूं, तो उसको देखने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं।
देखने का निर्णय भी मैं ही लेता हूँ। इस प्रकार मैं ही दृष्टा हूँ, शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ। और देखेंगे तो पाएंगे मैं ही करने का निर्णय लेता हूँ। जैसे आपका छींक आना भी है ना, आप देखेंगे उसमें आपका निर्णय शामिल है। अगर कोरोना फैला हुआ है, आपको जुकाम है और छींक अगर आपको आ रही हो और आपको लगे अगर मैं सबके सामने छींकूंगा तो लोग मुझसे दूरी बनाएंगे, है ना, इनको लगेगा कि शायद मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, तो आप छींक को रोकने का भरसक प्रयास करते हैं कि नहीं। तो छींक भी आए कि ना आए उसको आप निर्णय तो लेते ही, खांसी आए कि या ना आए आप उसका निर्णय लेते ही। वैसे ही अगर आपकी आंखों के सामने मक्खी आ जाए उसे हटाना है या नहीं हटाना है, पलकें गिराना है या नहीं गिराना है, इसका भी निर्णय आप लेते हैं। तो हम लोगों ने अभ्यास एक में देखा था कि जो भी मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय मैं लेता हूँ, उससे जो विचार तैयार होते हैं उसका निर्णय मैं लेता हूँ। वैसे आप पाएंगे कि शरीर से जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका निर्णय भी मैं ही लेता हूँ, आवश्यकता अनुसार शरीर को करने का संकेत देता हूँ, इस प्रकार मैं ही करता हूँ। और ये भी दिखाई दिया कि मैं ही सुखी दुखी होता हूँ, शरीर नहीं। कई बार हम आम भाषा में बोलते हैं शरीर में कष्ट है, ठीक, और मैं में क्या है, तो मैं में दुख है। ये हो सकता है कि शरीर में कष्ट है बट मैं में दुख नहीं है, ये भी हो सकता है कि मैं में दुख है शरीर में कष्ट नहीं है। तो शरीर में यदि कोई भौतिक रासायनिक घटना हो रही है उससे दुखी हूं या ना हूं वो भी मेरा निर्णय है, बट दुखी होने वाला या सुखी होने वाला मैं। तो शरीर में कोई घटना हो रही है उसको जैसा वैसा अगर मैं देख पाता हूँ मैं नहीं दुखी होता, नहीं परेशान होता हूँ, नहीं देख पाता हूँ तो दुखी परेशान होता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ उसको। जी, तो जो पहले हमने बात कही कि सेल्फ में परिवर्तन करके बॉडी में जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखें, बॉडी में परिवर्तन करके सेल्फ में जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी देख लें। उसके साथ जो एक बात हो रही है कि मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग देखने का अगर हम अभ्यास कर पाते हैं, उनको अलग अलग देख पाते हैं, तो उस कंफ्यूजन का सोर्स ही चला गया। तो मैं देख लिया कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से अलग हूँ। तो ये एक क्रूशियल बात है, जहां पर हम उस चीज को जब देख लेते हैं तो उसमें कोई शंका का स्थान ही नहीं रह जाता, भय का, कोई कंफ्यूजन का स्थान ही नहीं रह जाता। और वैसे रैशनल लेवल पे हम बहुत सारी चीजों को प्रश्न कर सकते हैं अपने आप से, उससे भी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि अगर मानव शरीर मात्र है तो ये सारा जो हम प्रयास कर रहे हैं ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, समाज में व्यवस्था के लिए, इसका तो कोई निष्कर्ष ही नहीं है क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है, तो उपलब्धि क्या है। तो रैशनल लेवल पे भी जो चौथी बात होगी इसमें, इस चीज को अपने आप में हम एनालाइज करके इसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि मानव शरीर मात्र नहीं हो सकता। अगर शरीर मात्र है तो ये अटर मतलब नॉनसेंस बात होगी कि हम इतना सारा प्रयास करें इतने सारा हम एजुकेशन लें, समाधान के लिए, ज्ञान के लिए प्रयास करें और अंत में कुछ बचे नहीं, सब मिट्टी में मिल जाए। भैया, फिर कभी कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन सी बनती है अंदर की हमको दिख क्यों नहीं रहा है। मतलब एक पिछले 3-4 दिन से ना, जब से मॉर्निंग सेशन में ये बात हो रही है, मतलब एक इच्छा बनती है, प्रयास भी थोड़ा, प्रयास में कमी है ये भी दिखता है, क्योंकि बाकी जगह पे ज्यादा एफर्ट करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं तो बहुत सारी थॉट्स चलने लगते हैं, ऑब्जर्वेशन छूट जाता है, या फिर वही स्थिति की बॉडी को आराम मिलता है तो नींद आने लगती है, ऐसे तो वो दिखता ही है कि हमारा अपना, या अगर खुद को, सेल्फ को अलग करके देखने की प्रयास करते हैं तो बहुत सारे विचार चलने लग जाते हैं कि अगर इस पार्ट में सेल्फ नहीं को हटाए तो आगे क्या होगा, या फिर मतलब इस तरह के बहुत सारे विचार चलने लगते हैं तो वो शायद प्रायोरिटी खत्म हो जाती है, तो बहुत सारा कुछ होता है, फिर एंड में आके अपने में यही बनता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो और फिर वो जो एफर्ट हो रहा है ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है कि ये एफर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब इस तरह का भी मन में बनने लगता है फिर भैया।
जी दिखता देखिए, नहीं है इसमें कुछ भी। पहली बाधा जो आपने बताई कि शरीर में कुछ आलस से आने लगता है, वो तो ठीक है ना, वो एक बाधा है। दूसरा है कि कोई विचार उठने लगता है और हम कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, या ध्यान कई जगह बढ़ जाता है, ये दूसरी बाधा है। एक तीसरी बाधा भी हो सकती है कि हम कुछ मान कर शुरू कर रहे हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ, तो आप पाएंगे ये भी एक बाधा है। तो हम फ्रेश देखें, बिल्कुल जैसा है वैसा देखें, बीच में कोई शब्द, कोई भाषा, कोई परिभाषा, कोई पुस्तक, कुछ भी बीच में लाए हुए, कोई है ना बाहर से मिली सूचना, कुछ भी बीच में लाए हुए, हम फ्रेश उसको देखें, जैसा है वैसा देखें कि बस मुझे देखना है क्या है। वो दिखेगा तो दिखेगा, है ना, पहले से क्यों मान लें कि ऐसा ही है। तो उसमें क्या होता, हमारा कोई बायसनेस नहीं होता। ये जो तीसरी बात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहले और दोनों को ओवरकम करते हुए किसी पॉइंट पे तीसरे की जरूरत पड़ेगी। इसको माने ही नहीं कुछ, बस देखें, बीच में कुछ लाए हुए, लाए बगैर बस देखें उसको। भैया स्लाइड लगा दीजिएगा, कि नहीं कोई प्रश्न हो, शेयरिंग हो, कर ले सकते हैं। इस बात को अब थोड़ा बारीकी से देखें, मैं किस प्रकार से दृष्टा हूँ, दृष्टा होने का अर्थ भी क्या है, मैं किस प्रकार से करता हूँ, करता होने का अर्थ भी क्या है, मैं किस प्रकार से भोगता हूँ, भोगता होने का अर्थ भी क्या है। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है भौतिक रासायनिक है, मुझ में चैतन्यता है, और ये दृष्टा होना, करता होना, भोगता होना, ये चैतन्यता है, ये पहचानना निर्वाह करना नहीं, इसमें मानना शामिल है। और ये अगर जानने के आधार पर होता है तब इसका तृप्ति बिंदु दिखाई देता है, तब इसमें हमारी एक सहज स्थिति दिखाई देती है। इसको अपने आप में हम ऑब्जर्व करते रहें। मुझे अगली स्लाइड लगा दीजिएगा। इसको लेकर कोई प्रश्न हो, अभी तक जितनी ऑब्जर्वेशन आपने किया, इसको लेकर यदि कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, रख सकते हैं। जी, तो ये विनीता जी का हैंडल है। जी विनीता जी, बैच सिक्स से यदि कोई और साथी कुछ शेयर करना चाहे, रखना चाहे, तो जी नमस्ते भैया। भैया बहुत ही अच्छा रहेगा। जी नमस्ते। वैसे तो मैं लगभग ये सेशन चलता है उस टाइम पे थोड़ा बिजी रहती हूँ, मतलब सुनती हूँ पर थोड़ा सा इसे आराम से नहीं सुन पाती। और आज जो 10 मिनट के लिए रिलैक्स होके ऑब्जर्व किया आपने, तो मैंने महसूस किया कि बहुत मतलब शरीर और छोटी अगर हम विचारों का जो है ना वो आज ये सोचा कुछ सोचना ही नहीं है, जैसे कोई अदर मतलब खुद के बारे में सोचना है और अपने शरीर के बारे में, मतलब मैं और मेरे शरीर के बारे के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचूंगी, ये सोच के मैंने आज बैठी तो बहुत मतलब ऐसा लगा जैसे सब कुछ हल्का ही हो गया है, कुछ विचार जैसे बहुत हल्का, छोटी छोटी क्रियाएं भी जो शरीर में हो रही थी वो सुनाई दे, सांसें सुनाई दे रही है, सांसों की आवाज आ रही है, हाथ अगर टच कर रही है बॉडी के किसी हिस्से पे वो भी दिखाई दे रहा है, और जी हल्का बहुत मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कुछ और है ही नहीं, मतलब बहुत खालीपन एक होता है ना आराम की स्थिति मैंने आज महसूस किया थोड़ा सा, बस भैया यही शेयरिंग करनी थी थोड़ी सी। बढ़िया दी। थोड़ा सा इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा विचार के अभ्यस्त हैं, है ना, भाव पे भी काम होना है अपना, बहुत ज्यादा विचार के अभ्यस्त हैं, तो विचारों का एक बोझ बन जाता है हमारे ऊपर। फिर जब हम ऐसे क्षणों में हाँ जाते हैं जी, जहां उसकी कोई बहुत मैं भी आवश्यकता यही नहीं है। कहना चाहूंगी, जो विचारों का जो किसी जो भार है ना वो मतलब ऐसा लगता है बेचैनी महसूस, उसी की वजह से सारी बेचैनी महसूस होती है, हर वक्त हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, जब हम थोड़ा विचारों का थोड़ा कम कर देते हैं सोचना तो शायद वो भार कम हो जाता है। जी, तो जो अभ्यास एक में हम लोग बात कर रहे थे, तो यदि भाव निश्चित नहीं हुए हैं,
अभी हम लोग विचारों से काम करते रहते हैं और विचारों में बहुत सारा अंतर विरोध, अंतर द्वंद, शंका, भय, ये सब चलता रहता है, तो इसलिए हम विचारों से थक जाते हैं। तो इसमें एक मुख्य काम तो भाव पे काम करने का है, समझ पे काम करने का है, ताकि हमारे भाव में परिमार्जन, भाव में परिमार्जन मतलब कि इच्छा के स्तर पर चित्रण से आगे बढ़कर हम चिंतन तक पहुंच पाए। तो एक ये काम तो है ना, उसको इसलिए अभ्यास दो को अगर हमको ठीक से करना है जिसमें उपलब्धि हो पाए, तो अभ्यास एक को शामिल करके ही करना बनता है। क्योंकि तो जैसे आप ध्यान देने आते हैं तो बहुत सारे विचार चलने लगता है, अब आप अपने आप में अगर समाधानित नहीं है, रिजॉल्व नहीं है, तो संवेदना को ठीक से पढ़ भी नहीं पाते, वो बीच में विचार आते रहते हैं। तो अभ्यास एक को जितना हम ठीक से कर पाएंगे, अभ्यास दो उतना ठीक से हो पाएगा जी। और ये तो स्थितियां बनेंगी जिसमें कई बार आप बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं, ठीक, बहुत शीतलता महसूस होने लगती है, ये सब तो होंगी। और इसमें ये होता है कि जो अभ्यास एक का थकावट था, जिसके कारण एक ताप था कल्पनाशीलता का, वो थोड़ी देर कम हो जाता तो शीतलता लगती है, तो तप्त तो हो जाते हैं अपने विचारों से। आप पाएंगे कि जैसे अगर बैठे हुए हैं कोई विचार चल रहा है, वो विचार हमको सहज रूप से स्वीकार नहीं है, भाव हमको सहज स्वीकार नहीं है, तो हमारा शरीर गर्म होने लगता है, शरीर थकने लगता है, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। तो उसके लिए है ना, कल्पनाशीलता में भी देखें तो ताप जैसी स्थिति बन जाती है, तो उससे हम बाहर निकल पाते हैं अभ्यास एक के आधार पर, फिर अभ्यास दो को ज्यादा उपयोगी ढंग से कर पाते हैं जी। बढ़िया दीदी जी, धन्यवाद भैया जी। तो इसको हम लोग देखें, इसको निर्णय कौन ले रहा है, इसको देखना है। तो शरीर को किसी एक स्थिति में रखना है, फिर देखना है कि संकेत देने का और संवेदनाओं को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है। शरीर की स्थिति बदली तो कैसे बदली, ये मैं के निर्णय से हुआ या बिना किसी निर्णय के? तो जैसे आपने जो 10 मिनट का अभ्यास किया, इसके आधार पर यदि कुछ शेयर करना चाहें तो उसको रख सकते हैं यहाँ पर, कि शरीर को किसी एक स्थिति में रखने का अगर आपने प्रयास किया और फिर देखा कि संकेत देने का और संवेदना पढ़ने का निर्णय कौन लेता है। तो जो शरीर की स्थितियां बदलती रहती हैं, ये अपने आप बदलती रहती हैं या मेरे निर्णय से बदलती हैं जी, इस पर कोई शेयरिंग करना चाहें या कोई किसी का प्रश्न बन गया हो तो रख सकते हैं जी। लेकिन एक चीज अभी यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी स्पष्ट नहीं हो रही है, जो दृष्टा कर्ता और भोक्ता है, थोड़ा सा और किसी उदाहरण से अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, जो मैं ये प्रोसेस में हूँ कि चैतन्य द्वारा चैतन्य को भी देख रहा हूँ, फिर चैतन्य से अपन शरीर की संवेदनाओं को भी देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन भी ले रहे हैं, तो डिसीजन तो मैं ले रहा हूँ ये क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों में जो डिफरेंस है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो देखने समझने जानने का काम कर रहे हैं वो दृष्टा है, जो निर्वाह करने के लिए हम कर रहे हैं, चाहे कल्पनाशीलता में या फिर शरीर के साथ, वो करता है। उसके साथ जो मेरी स्थिति बनी हुई है, आराम है कि परेशानी है, वो भोगता है। तो ये तीनों ही साथ साथ हो रहे होते हैं, मैं देख भी रहा होता हूँ, मैं निर्णय भी ले रहा होता हूँ, मैं अपने आप में किसी आराम की स्थिति में या परेशानी की स्थिति में भी होता हूँ। कर रहा हूँ वो तो करता है, और उससे जो आस्वादन हो रहा है, जो भी दुख सुख हो रहा है, वो भोगता है क्या भैया? हाँ, तो क्रिया में देखें तो आस्वादन की जो क्रिया है वहां हम सुख दुख भोग रहे हैं, वो भोगता हो गया ना भैया? तो वैसे तो ऊपर भी देखें तो वहां पे हम भोग रहे हैं सुख या दुख को, ठीक है ना, हम इच्छा के स्तर पे भी कुछ ना कुछ देख रहे हैं अपने आप में और उसको भोग रहे हैं। तो या तो जैसे असंतोष की स्थिति है इच्छा के स्तर पर, वो भी हम भोग रहे हैं, वो भी भोक्ता भाव है। संतोष की स्थिति है तो भी भोक्ता भाव है। विचार में अशांति है तो उसको भी हम भोग रहे हैं, शांति है उसको भी भोग रहे हैं। वैसे आशा के स्तर पर सुख है उसको भोग रहे हैं, दुख है आस्वादन में उसको भोग रहे हैं, ये भोक्ता वाली बात है। कर्ता की अगर बात करें तो ये सारी क्रियाएं तो मैं ही कर रहा हूँ, चित्रण मैं ही कर रहा हूँ,
विश्लेषण मैं ही कर रहा हूं कि नहीं, तुलन मैं ही कर रहा हूं, चयन मैं ही कर रहा हूं, आस्वादन मैं ही कर रहा हूं। तो ये कर्ता को देखने जाए तो यहाँ जो मैं क्रियाएं कर रहा हूं उसके साथ कर्ता दिखाई देगा। कर्ता का मतलब इसमें मानना शामिल है। तो अगर हम जड़ वस्तुओं को देखें तो वहां पे तो जड़ क्रियाएं हो रही है, मानना शामिल नहीं है, यहाँ मानना शामिल है। और दृष्टा का मतलब अगर हम देखें तो ऊपर की जो क्रिया है वो नीचे क्रिया को देखती है। तो विचार जो है आशा को देखता है, इच्छा जो है विचार को देखती है, ठीक। उससे ऊपर जाए तो ऊपर की क्रिया नीचे क्रिया को देखती है, और फिर हम वहां से हम पूरे बाकी के वातावरण को भी देखते हैं। जो नीचे क्रिया है चयन आस्वादन में, वो शरीर से मिलने वाली संवेदना को देखती है, और शरीर में मिलने वाली जो संवेदना है उससे बाकी इकाइयों का प्रभाव है, तो उससे हम उसके बारे में उसको भी देखते हैं, उसके बारे में अनुमान भी लगाते हैं। तो ऐसा है। तो मूल रूप से देखना क्या है, देखें तो क्रिया को देखना है। ये सारा देख जो चर्चा हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, उससे ये हो जाए कि दो तरह की क्रियाएं हैं प्रकृति में, चैतन्य क्रिया है और जड़ क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं हमको स्पष्ट हो जाए, इतना ही है। ठीक है ना? तो आज हम लोग असाइनमेंट ग्रुप में इस बात को फिर से रखते हैं कि शरीर किसी एक स्थिति में रखना है, फिर देखना है कि संकेत देने का, संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है, शरीर की स्थिति बदली तो कैसे बदली, इस चीज को ऑब्जर्व करना है बारीकी से जी। तो समय हो चला है, इस असाइनमेंट के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं। जिनका आज वर्किंग डे नहीं है, घर पे हैं, थोड़ा अलग से समय लगाएं, थोड़ा ज्यादा समय लगाएं आज इसके लिए जी। बहुत ही बढ़िया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।